देखें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो एक अंग होता है उसे क्या कहा जाता है, गायनोशियम। गायनोशियम किसकी यूनिट है या गायनोशियम की यूनिट क्या है, कार्पल्स या पिस्टल। यदि अपन बात करें कार्पल या पिस्टल किस पर से जुड़ा हुआ होता है, थैलेमस से। थैलेमस किससे मिलकर बना होता है, पेडिकल्स या पेडिकल का अग्र फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, थैलेमस। थैलेमस पर क्या होता है, पिस्टल या कार्पल। पिस्टल या कार्पल के कितने पार्ट हैं, तीन पार्ट हैं, एक स्टिग्मा, स्टाइल और एक ओवरी। कौन कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। यदि अपन बात करें तीनों को मिला के क्या कहा जाता है, कार्पल। इसको क्या कहा जाता है, मैक्रोस्पोरोफाइट। क्या कहा जाता है, मैक्रोस्पोरोफाइट। यदि अपन बात करें ओवरी की तो ओवरी के अंदर गद्देनुमा संरचना क्या कहलाती है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा पर क्या पाए जाते हैं, ओव्यूल्स। क्या पाए जाते हैं, ओव्यूल या बीजांड। यदि अपन बीजांड की संरचना देखेंगे तो बीजांड किससे जुड़ा हुआ होता है, बीजांड ग्रंथ से। किससे, बीजांड ग्रंथ से। बीजांड ग्रंथ का वह भाग जो किससे जुड़ा होता है, प्लेसेंटा से, उसे क्या कहा जाता है, ट्यूनिकल। जबकि बीजांड ग्रंथ का वह भाग जो किससे जुड़ा होता है, बीजांड से, उसे क्या कहा जाता है, हाइलम। यदि अपन बात करें बीजांड की तो बीजांड के आवरण को क्या कहा जाता है, इंटेगुमेंट। क्या कहा जाता है, इंटेगुमेंट। यदि अपन बात करें बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है, आउटर इंटेगुमेंट। जबकि अंदर वाले को क्या कहा जाता है, इनर टेगुमेंट। जो बीजांड होता है, बीजांड का मुख्य भाग क्या कहलाता है, न्यूसिलस। बीजांड का मुख्य भाग क्या कहलाता है, न्यूसिलस। न्यूसिलस की कुछ कोशिकाएं आकार आकृति में बढ़ेगी, वृद्धि विभाजन करेंगी और किसका निर्माण कर लेती हैं, न्यूसिलस का। किसका निर्माण करेंगी, न्यूसिलस का। न्यूसिलस आगे जाके किसका निर्माण करता है, एम्ब्रियो सैक का। यदि अपन एम्ब्रियो सैक की बात करें तो एम्ब्रियो सैक में कुछ इस प्रकार से संरचना देखने को मिलती है, एक तीन कोशिकाओं का पिंड होता है जिसे क्या कहा जाता है, एंटीपोडल सेल। कहां होती है, चले जाए एंड की ओर। कहां होती है, चले जाए एंड की ओर। जबकि एग सेल और सिनर्जिक कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, एग एपरेटस। तो कहां पर होते हैं, माइक्रोपाइल एंड की ओर। और बीच के केंद्र में क्या पाए जाते हैं, बाइपोलर न्यूक्लियस। इस तरीके से एक एम्ब्रियो सैक में कितनी कोशिकाएं दिख रही हैं आपको, सात कोशिकाएं और आठ केंद्रक दिख रहे हैं। कितनी, सात कोशिकाएं, देखो तीने हैं, तीने छह और एक स्वयं की बड़ी कोशिका, कितनी होगी, सात। केंद्रक कितने दिख रहा है, तीन और तीन छह और दो आठ। इस तरीके से एम्ब्रियो सैक कैसी संरचना है, सात कोशिकी और आठ केंद्रक की संरचना होती है। सोच पाएंगे, इस तरीके से क्या हो जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब ये पूरा क्या है, आउटर लाइन। अब इसके अंदर अपन देखेंगे इसकी संरचना, इसकी एम्ब्रियो सैक की संरचना कैसे होती है। ठीक।